हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम मास्टर चैनल में। और स्पीड टेस्ट शुरू कर रहा हूँ जी। यहाँ पहले क्वेश्चन से हम बात करेंगे यहाँ पर, और बहुत ही जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही स्पीड टेस्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जी हाँ, 19 सितंबर 2017 को कोमला दुमोर पुरस्कार किसे मिला? सही जवाब होगा अमीना युगदा को। अमीना युगदा, ठीक है, ये जो है नाइजीरियन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। दूसरा है विंबलडन चैंपियनशिप 2017 पुरुष एकल विजेता का खिताब किसे मिला? सही जवाब है रोजर फेडरर को, पुरुष एकल विजेता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 पुरुष महिला एकल खिताब, यानी पुरुष में भी महिला में भी बताना है, पुरुष में मिला है रोजर फेडरर को और महिला में मिला है सेरेना विलियम्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर है? सही जवाब होगा लुसाने। चलिए मैं लिख दे रहा हूं लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 5, सही जवाब है दुबई, यानी आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? सही जवाब होगा जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, जेनेवा इसका बिल्कुल सही जवाब है। संतोष ट्रॉफी का 71वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? सही जवाब होगा गोवा, गोवा राज्य में भारत के। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? सही जवाब होगा कलकत्ता। नॉर्वेस्टर हवा किस स्थान की है? सही जवाब है न्यूजीलैंड की है। नॉर्वेस्टर हवा जो है वो न्यूजीलैंड की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं विक्रम साराभाई। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमाओं वाला जो देश है वो है चीन, सबसे ज्यादा सीमाएं हैं इसकी। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, नाम आपने सुना होगा। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इसकी स्थापना कब हुई? नालंदा विश्वविद्यालय, लगभग 450 ईस्वी पूर्व यानी BC। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14, सही जवाब होगा अमेरिका। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा शक्ति किसके हाथों में थी? सही जवाब होगा ताराबाई के हाथों में थी। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अशोक द्वारा लड़ा गया कलिंग युद्ध किस नदी के समीप हुआ था? दया नदी। जी हाँ, दया नदी के समीप हुआ था अशोक का कलिंग युद्ध। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? दांते हैं डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार। चलिए नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का वर्णन है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का वर्णन है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैगनी यानी वायलेट रंग का। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? सही जवाब होगा 1350 से 1400 ग्राम। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकावट आती है? सही जवाब होगा लैक्टिक अम्ल। भारत में सर्वाधिक लौंग की खेती कहां होती है? केरल राज्य में। पपीता का रंग किसके कारण पीला होता है? सही जवाब होगा कैरिका जैम्पिन। मैं लिख दे रहा हूं कैरिका जैम्पिन के कारण पपीता का जो रंग है वो पीला होता है। आम्रपाली किन दो आम की प्रजातियों का संस्करण है? तो यहाँ पर दो आम है, दशहरी और नीलम को मिला करके आम्रपाली बनाया जाता है। दशहरी और नीलम याद रखिएगा। मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाला उर्वरक कौन सा है? तो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाला जो उर्वरक है वो है अमोनियम सल्फेट। किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू किया गया? दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में शुरू किया गया था। राजीव गांधी युवा विकास संस्थान किस राज्य में है? दोस्तों तमिलनाडु में है। पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? अशफाक उल्ला खान। जिसे बुलाया ना गया हो इसके लिए एक शब्द क्या है? सही जवाब, चलिए यहां पर हिंदी के देख लीजिए, मैं लिखते जा रहा हूं, अनाहूत, ठीक है। और जिसके आने की तिथि ना हो वो होता है अतिथि। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युदा, मैं लिख दे रहा हूं अध्युदा। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, क्वेश्चन नंबर 33, जिस पर अधिकार जताया जाए, अध्यर्थ, अध्यर्थ। घोड़े, रथ,
पैदल सिपाही का समूह सेना अछौहड़ी होती है, जो महाभारत में आपने सुना होगा। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है और अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्पीडी 37 क्वेश्चन किया, आगे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा का, पूरे 10-11 सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 94526792, जी हाँ 94526792 को सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। आपको फीस देनी है 500 रुपए और इसके बाद आपको कंप्लीट नोट्स पीडीएफ व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप में दे दिया जाएगा। स्पेशल ग्रुप ऐसे ही स्पेशल ग्रुप लोगों का, मेंबर का ग्रुप है, जिसमें सारे लोग फीस जमा करके आए हैं और स्टडी से संबंधित डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा नंबर है, आप हमें जरूर टेक्स्ट करें, अगर आपको नोट्स चाहिए आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।